अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। जूनियर ऑडिटर बेसिक्स के लिए 11 का कंप्लीट पेपर इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान का ये पेपर है। फरवरी 2021 में ये कंडक्ट किया जा चुका है। सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के गुज़िश्ता पेपर्स और एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और 50 मार्क्स का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंटोनियम ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज। एक्सट्रीमिज्म कहते हैं इंतहा पसंदी को, और इंतहा पसंदी का अपोजिट मॉडरेशन होता है, जिसका मतलब होता है एतदाल पसंदी या एतदाल पसंद। क्वेश्चन नंबर 2, द सिनोनिम ऑफ ग्रेटिट्यूड इज। सिनोनिम कहते हैं मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज को। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्रगुजारी, और इसका हम मानी लफ्ज जो बनेगा यहाँ पर थैंकफुलनेस होगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड इन कार्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स अराइव्ड इन कार यानी कार में आए थे। 4, द मैन Who is standing next to Ali is working in a government department. The man who is standing. Option B correct है। 5, You dash very clear on this topic. You sound very clear on the topic. 6, Sarah shows great ability in physics. Option A आएगा, Sarah shows great ability in physics. 7, He is blind of one eye. Option A correct है। 8 है, He is very good at making story. Option B इसमें correct है। He is very good at making story. 9, I do my work too carefully to make mistakes. Option C इसमें correct होगा। 10, The antonym of frailty is. फ्रेलिटी कहते हैं कमजोरी को, कमजोर को, और एंटोनियम अपोजिट हमने बताना है फ्रेलिटी का अपोजिट होगा स्ट्रेंथ। ऑप्शन डी जिसका मतलब होता है ताकत। क्वेश्चन नंबर 11, द डिसिसिव बैटल ऑफ कादसिया वाज फाउट बाय मुस्लिम विद। ऑप्शन डी पर्शियन एम्पायर। सही है, जो बैटल ऑफ कादसिया थी ये मुसलमानों और पर्शियन एम्पायर के दरमियान लड़ी गई थी। 12, बैतुल अतीक मेंशन्ड इन कुरान रेफर्स टू काबा। ऑप्शन बी करेक्ट है, काबा को बैतुल अतीक भी कहा गया है, कुरान मजीद में इसका जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेम ऑफ प्रॉफिट हुज एज इज मेंशन्ड इन कुरान इज हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 14, मुकाम महमूद मीन्स स्टेशन ऑफ प्रेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। 15, द अर्लीस्ट बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वाज इब्ने इसहाक। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाम गजाली वाज अ फेमस। ऑप्शन ए करेक्ट है, मुस्लिम फिलासफर थे एंड मेस्टिक। मेस्टिक कहते हैं सूफी को। ऑप्शन ए करेक्ट है, इमाम गजाली वाज अ फेमस मुस्लिम फिलोसोफर एंड मेस्टिक। 17, द ग्रांट ऑफ सैलरीज अलाउंसेस टू मुस्लिम सोल्जर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये खिलाफत उमर रजी अल्लाह ताला अनहो के दौर में मुस्लिम सोल्जर्स को सैलरीज और अलाउंसेस दिए गए। ठीक है, यहाँ से इनका आगाज हुआ, सैलरी देना, अलाउंसेस देना। 18, बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हजरत सलमान फारसी वाज अ। ऑप्शन ए करेक्ट है, जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन ये जो मजहब है जिसमें आग की पूजा की जाती है, तो बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हजरत सलमान फारसी का ये मजहब था। आतिश पूजा यानी जर पूजा इस तरह का कुछ इसका मतलब बनता है, और इसके बाद ये क्रिस्टियन में गए थे, देन ये मुस्लिम में कन्वर्ट हुए थे, इस्लाम एक्सेप्ट किया था। 19, द फर्स्ट सोशलिस्ट इन इस्लाम इज कंसिडर्ड टू बी हजरत अबू जर गफारी। ऑप्शन ए करेक्ट है, ये पहले इस्लाम के सोशलिस्ट थे। 20, द नेम ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन स्कॉलर हु टेस्टिफाइड टू द प्रॉफिटहुड
ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, वाज वर्का बिन नौफल, ऑप्शन सी। वो पहले ईसाई स्कॉलर थे, ईसाई आलिम थे, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि हज़रत पाक सल्लम अल्लाह के प्रॉफिट हैं। 21, द यूनिवर्स इज कॉन्टीन्यूसली एक्सपेंडिंग, ऑप्शन बी। 22, द मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड वेव, दिस वॉज फर्स्ट पपू प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किसने सबसे पहले, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 23, गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स और कोलेक्टिवली नॉन एस, ऑप्शन सी करेक्ट है, नोबल गैसेस। 24, लॉज ऑफ जेनेटिक्स वॉज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मेंडल, ऑप्शन ए करेक्ट है। 25, दी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स, ऑप्शन बी। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो 220 वोल्ट की होती है और 50 हर्ट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। 26, कार्बन डेटिंग इज वन ऑफ दी मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेडियो एक्टिविटी। 27, द डैश कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज, इसमें ऑप्शन बी है, एनुअल रिंग्स आर यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्रीज। 28, द एज ऑफ यूनिवर्स इज 13.6 बिलियन ईयर्स, एग्जैक्ट 14 बिलियन ईयर्स है, बहरहाल ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 13.6 इज इक्वल टू 14 बिलियन ईयर्स। 29, The energy of sun is driven by the process of fusion of hydrogen. Option A is the correct answer. 30, Mercury is liquid at the room temperature. 31, The national anthem of Pakistan was written by Hafiz Jalandhari. Option A is the correct है. 32, Sindh was separated from Bombay in the year 1936 को ये सेपरेट हुआ था, गालबन 1 अप्रैल 1936 था, और ये किस एक्ट के तहत सेपरेट हुआ था, 1935 एक्ट के तहत। 33 है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1949, 7 मार्च 1949 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन करारदादे मकासिद इसको कहा जाता है, ये प्रेजेंट की थी लियाकत अली खान ने, और ये 12 मार्च 1949 को मंजूर कर ली गई थी। पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन इन द ईयर कब बना जी, 30 सितंबर 1947 को यूएन का मेंबर, यूएनओ का मेंबर बना था पाकिस्तान। द फर्स्ट सेंसिस ऑफ पाकिस्तान वाज कैरिड आउट इन द ईयर 1951 में, पहली मर्दमशुमारी की गई थी, और मर्दमशुमारी हर 10 साल के बाद होती है। 1951 में पहली मरतबा की थी, 1961 में सेकेंड बार, और 1972 में तीसरी बार की थी। 1971 में चूंकि वार हुई थी तो जंग की वजह से ये 1972 में की, देन 1981 में, उसके बाद 1998 में, एंड देन जो है 2017 में की गई थी। मोस्टली ये 10 10 ईयर्स के बाद होती है, लेकिन सम सिचुएशंस की वजह से ये डिले हो जाती है। और अब तक 6 सेंसिस हो चुकी हैं, 6 दफ़ा मर्दमशुमारी हो चुकी है, लास्ट 17 में हुई थी, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेडियन एज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज 22.8 साल, ये मेडियन एज है पाकिस्तानी पॉपुलेशन की, यानी इस उम्र के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब इतनी एज बनती है मेडियन अगर निकाला जाए पाकिस्तान की पॉपुलेशन एज का। 37, दी एरेस्ट वाइल फाटा हैज बीन मर्ज इन टू पाक प्रोविंस इन, फाटा को कब मर्ज किया गया था जी, 2018 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब बढ़ते हैं, 38 की जानेब, आजाद जम्मू एंड कश्मीर इज सेल्फ गवर्निंग स्टेट अंडर पाकिस्तान, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 39, द हाईएस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट है, पंजाब की पॉपुलेशन आबादी सबसे ज्यादा है, बाकी सूबों की नस्बत ज्यादा है। 40, दी इनडेंजर्ड स्पीशीज मारखोर हैबिटेट्स इन, ये मार्कोर कहाँ पाए जाते हैं जी, पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। पाकिस्तान का कौमी जानवर मार्कोर है, राइट,
दोस्तों नेशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से वीडियो चैनल पर मौजूद है, लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो लास्ट में मैं प्लेस भी कर दूंगा, आप इसको भी लाजमी वॉच कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। 41, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ फंड्स अवेलेबल इन द बजट फॉर द गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन इज। अब ये आखिरी 10 क्वेश्चन है, ये बजट से रिलेटेड है, अकाउंट से रिलेटेड है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, 1 फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 42, द अकाउंट्स विच कैन नॉट मेड विद सिंगल एंट्री सिस्टम्स, और इसका है आंसर सी, इसका है ट्रायल बैलेंसेस, ठीक है, इसमें सिंगल एंट्री नहीं बल्कि ड्यूअल एंट्री सिस्टम होता है, ठीक है। 43, एन ऑर्गेनाइजेशन पेड ₹5 मिलियन इन कैश टू द वेंडर फॉर परचेज, द ऑडिट रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज इंक्रीज ड्यू टू दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, बल्क पेमेंट टू वेंडर। नेक्स्ट है जी 44, द आउटपुट बेस्ड बजटिंग इन्वॉल्व लिंक्स आउटपुट विद बजट रिसोर्सेज एनुअल इंक्रीमेंट जीरो बेस्ड बजट्स एंड नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट है, लिंक्स आउटपुट्स विद बजट रिसोर्सेज। 45 है, द सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड रिपोर्टिंग टाइमलाइंस ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट है। 46, द एनुअल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन आर प्रिपेयर्ड बाय, इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। 47, इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा। 48, सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट अकाउंट फॉर, ऑप्शन ए डेप्रिसिएशन बैड डेबिट्स, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। 49, कस्टम्स ड्यूटीज आर फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ऑप्शन डी करेक्ट है। 50 एंड द लास्ट एमसीक्यू ऑफ दिस पेपर, द एनएफसी अवार्ड इज, एनएफसी अवार्ड इज इसमें है जी, ऑप्शन बी करेक्ट है, फंड शेयरिंग फार्मूला विद इन फेडरेशन। तो दोस्तों इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है, होप सो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मज़ीद पेपर्स के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, जॉब्स अलर्ट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अपनी सजेशन भी दे सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक मुझसे हो गई है तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।